हेलो स्टूडेंट्स वाम वेलकम क्लास सिक्स साइंस दिस इज चैप्टर नंबर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड यू आर ऑन द विज्ञान चैनल आई एम हरदीप सिंह आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द स्टेम यानी तने के आकार तथा उसकी आकृति के आधार पर हमने पौधों के विभिन्न प्रकार को आज जानना है हम सबसे पहले शुरू करते हैं द फर्स्ट इज क्या होती हैं द प्लांट्स दोन साइज ऐसे पौधे जो आकार में छोटे होते हैं शॉर्टन मीन्स छोटे होते हैं साइज मीन्स आकार एंड पतली. टेंडर नरम स्टेम आर नोन एज हॉब्स दे मे और मे नॉट है ब्रांचेस कई बार ब्रांचेस होती हैं कई बार ब्रांचेस नहीं होती हैं ठीक है तो क्या कहा ऐसे पादप जिनका तना छोटा हरा नरम होता है उन्हें हॉब्स कहा जाता है सी हियर दिस इज हॉब दिख रही है आपको कोई देखो ब्रांचेस काफी बाद में है और तना बिल्कुल क्या है ग्रीन है टेंडर है जैसे मर्जी मोड़ लो सो दिस इज ए हाफ लेट सी अबाउट अदर हाफ्स प्रिंट देखिए इस प्लांट को प्लीज दिस इज अ कैप्सिकम प्लांट दिख रहा है बेटे अब इसके बेस में देखिए आप यहां से देखिए बिल्कुल टेंडर है छोटा है है ना ग्रीन इसकी क्या है हमारे पास स्टेम है ब्रांचेज हैं तो ऐसे जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं इनकी बिल्कुल नरम सी क्या डेट अ टेंडर स्टेम नरम उनकी स्टेम रहती है दे आर the, तो ये क्या है एक है। इसके अलावा और भी, भी आप देखेंगे बेटे? अब आप इसकी स्टेम को देखिए कैसी दिख रही है आपको इसकी स्टेम अगेन इट है ग्रीन है ना ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज इज हर्ब द प्लांट्स दो है ग्रीन टेंडर स्टेम्स टाइप ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम आर श्रब्स दूसरे कौन से आ गए श्रब्स हैं स्टेम्स है बेस देखिए इनमें ब्रांचेस पक्का ही होंगी और आधार के पास ही ठीक है टहनी शुरू हो जाती है तो स्टेम्स तो है लेकिन थिक नहीं होती stems are brown in color. Stems green से brown होना शुरू हो जाती है एग्जाम्पल आ गया जैसे हमारे पास दिस इज रोज अभी गुलाब है अभी देखते हैं किस तरह से है और इसके साथ मेटल का प्लांट है और अदर प्लांट्स पे स्टडी करते हैं तो देखिए प्लीज स्टूडेंट्स ये रोज प्लांट है अब आप देखेंगे इसको बेस पे चलिए जब भी आपको प्लांट पहचानना है कि इज इट ट्री, आपको उसको किसको देखना स्टेम को देखना स्टेम है वो क्या चीज हो चुकी है हार्ड है थिक है और लिटिल बिट बुडी की तरह है स्ट्रॉन्ग हो चुकी है राइट तो दैट्स वाई दिस इज ए अगेन दिस इज श्रब लेट्स दिस इज ओके नो अगेन हम टॉप से देख के नहीं बात करेंगे हम कहा बात करेंगे बेस से देखिए अगेन ब्रांचेज राइट देन इट इज अगेन वॉट इज दिस इज श्रब राइट प्लीज द थर्ड हमारे पास है दीज आर द ट्रीज तीसरी कौन सी आगे ट्रीज प्लांट्स है, है उसे हम क्या बोलते हैं ठीक है दैट इज नोन एज ट्रंक जब हम ट्री की बात करते हैं तो उनका जो तना इतना मोटा हो जाता है उसके लिए नया शब्द लग जाता है ट्रंक क्यों लगा बिकॉज इट्स इज वेरी टॉल ये लंबा होता है इट इज हार्ड ये सख्त होता है इट इज थिक ब्राउन इन कलर और ये ब्राउन कलर का हो जाता है इट है बार्क ऑन इट इसके ऊपर bark आ जाती है इट है ब्रांचेस बट मोस्टली इन द अपर पार्ट ठीक है ग्राउंड से काफी हाइट पे जाके इन पे क्या होती हैं ब्रांचेस होती हैं तब इनको हम क्या कहते हैं दे आर द ट्रीज तो देखिए जरा प्लीज से दिस प्लांट दिस इज सिल्वर ओक प्लांट एंड अगेन टू आइडेंटिफाई इट इज अ हर्ब श्रब और ट्री seed base like so this is a very strong base this stem is strong it is thick it is woody and it have bark over it this is called bark right so it have bark over it so this is the method to identify a plant is a shrub herb or tree let's see one more tree this is popular tree gravity again री स्ट्रॉम इज देर एंड इट इज ऑफ ब्राउन कलर अगेन एंड दीज आर ऑल दी तो अभी आपने सिल्वर प्लांट देखा पॉपुलर का देखा राइट अब चलते हैं इससे आगे आफ्टर दिस जो हमने तीन पढ़े दैट इज द्रब एंड ट्री हमारे पास दो तरह के और प्लांट रहते हैं ठीक है और इनको हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं बाइन्स क्या यूज करते हैं वाइन्स वाइन्स का मतलब होता है बेले ये हमारे पास बेले रहती हैं तो ये बेलों की तरह के पौधे होते हैं बेल कहते हैं इनको हम तो इनको हम आगे दो टाइम में बांटा वन इज द करीपर एंड अदर इज द क्लाइंबर वट इज करीपर प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड ऐसे पौधे जिनकी स्टेम कमजोर होती है और ये ऊपर को खड़ी नहीं हो सकती इसलिए जमीन पर ही आगे से आगे फैल जाती है नॉन एज क्रीपर इन सम बुक्स पंपकिन इज शोन क्रीपर कई जगह पंपकिन को क्रीपर कहा गया है बट पंपकिन जो है ये क्लाइम भी कर जाता है क्लाइम चढ़ना ये ऊपर भी चढ़ जाता है इसकी जगह हम किसको रख सकते हैं क्रीपर में हमारे पास मोली ठीक है साइनोडॉन्स होता है साइनोडॉन साइनोडॉन क्या है दुब ग्रास है ना लिये आजी चलिए देखते हैं दुब ग्रास को इस चीज को देखिए बेटा ये ये देखा होगा आपने ध्रुव बोलते हैं दुब बोलते हैं या खबल के नाम से जानते हैं साइनोडोन बोलते हैं हम इसको दिस इज क्लियर राइट अब इसको देखिए ये क्या है ये जमीन पे फैलता जा रहा है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा देखते हैं दूसरी स्ट्रक्चर को देखिए ये काफ़ी दूर तक चला जाएगा और जमीन पे बिछ के चला जाता है सो दिस इज कॉल्ड द क्रीपर इसको क्या कहते हैं हम क्रीपर कहते हैं और भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं ये ग्रास आपको दिख रहा है बेटा ये वाला ग्रास भी दिस इज ऑल्सो क्रीपर क्या करेगा जमीन पे फैल जाएगा सारी जगह पे पेट्स वाई इज नोन एज क्रीपर हैव टेंड्रेल्स इनके पास ना है एंड दे कांट मूव विद विद अपड हेल्प ऑफ ए स्पोर्ट किसी स्पोर्ट की हेल्प से ऊपर को भी नहीं जाते हैं ये थोड़ी देर उठते हैं फिर नीचे लेट जाते हैं दैट्स दे आर नोन एज द क्रीपर्स दिस इज अ स्पेशल ग्रास एंड इट इज स्पेशली ग्रोन इट इज द टाइप ऑफ क्रीपर यू कैन सी आई विल

ठीक है विद लॉन्ग एंड वीक स्टेम इनकी बहुत ज्यादा लंबी परंतु बड़ी कमजोर स्टेम होती है दैट टेक स्पोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर जो भी इसके आसपास स्ट्रक्चर होती, होती है जो स्पोर्ट होती है ये उसकी सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं दे हैव द समटाइम दे क्वाइलर अराउंड इट कई बार जैसे इसके साथ घूम घूम के चढ़ते हैं सम टाइम दे हैव द टेंट्रिल्स कई बार अगर आपने देखे होंगे तो इस तरह से टेंट्रिल तो की हेल्प से ऊपर चढ़ जाते हैं तो हम जैसे घिया कद्दू करेला है ना तो वह सब इसी के अंदर आते हैं तो अगर आप जी ओ यू आर डी गौड़ लिखते हैं तो गौड़ क्या हो गया बेटा घिया कुकुम्बर सी यू सी यू एम बीई आर -E कुंबर क्या गया आपके पास ठीक है कुम्बर क्या हो गया दीज आर द क्लाइंबर्स लेट सी अबाउट क्लाइंबर्स के बारे में देखिए प्लीज स्टूडेंट दिस इज दुकुम्बर प्लांट एंड दिस इज नॉन एजन वी आई एन यू वाइन वाइन का मतलब बेल राइट right? जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में एक चीज दिख रही है आपको ये दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स हिंदी में इनको क्या बोलते हैं प्रतान तो ये टेंड्रिल्स हैं दीज हेल्प दीज वाइन्स टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना विद द हेल्प ऑफ ए स्पोर्ट देखिए हमने इसको स्पोर्ट लगा रखी है और ये टेंडल्स क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आपको स्पोर्ट को पकड़ रहे हैं राइट right? और स्पोर्ट की हेल्प से ऊपर चल जाते हैं सो सच प्लांट्स डेट अप विद द हेल्प ऑफ ए स्पोर्ट आर नोन एज द क्लाइंबर्स क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन रहती है दे हैव वेरी लॉन्ग स्टेम देखिए इनकी स्टेम जो होती है बहुत लंबी होती है इट इज वेरी टेंड्रेल बहुत नरम होती है एंड ग्रीन द प्लांट्स ध्यान रखिए द वाइन्स हैव द लॉन्ग ग्रीन टेंड्रिल स्टेम्स दिस इज द कुकुम्बर सीवन मोर दिस इज अवर रिच गॉड या घिया तोरी बोलते हैं अगेन सेम स्थिति देख सकते हैं आप वेरी लॉन्ग 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 स्टेम्स एंड हैव टेंड क्लाइंब अप एट द टॉप सो दिस इज ऑल्सो ए क्लाइंबर बेटर गॉड करेला देख सकते हैं आप भी, भी। इसमें भी टेंडर्स हैं और ये भी कहाँ जा रहा है ऊपर ठीक है तो दिस इज आल्सोए क्लाइंबर